इतनी बेशर्मी है मुख्यमंत्री खेल मंत्री का बचाव कर रहा है। तो भाई क्यों भाई उस छोरी ने न्याय किस लिए नहीं मिल रहा ये बताओ मुख्यमंत्री साहब, कैसे एक छेड़खानी करने वाले खेल मंत्री को बचाव क्यों कर रहा है न्यूता बता दे। अगर यही आरोप नवीन जैन के ऊपर लगा देती कोई छोरी तो नवीन जैन बाहर होता या जेल में होता बतावे सरकार, या किसी आम इंसान के ऊपर ये आरोप लग जाते, कितने लोग जेलों में हैं इस मामले को लेकर ऐसे आरोप लगा दिए, जब बैठा ले जाए पुलिस और फिर उसका बना गया अस्तीफा, अस्तीफा नहीं है वो न्यू का न्यू मंत्री है, और मुख्यमंत्री इतनी बेशर्मी से उसकी वो हिमायत कर रहा है, इस कह रहा है कि आरोप ही तो लगे हैं। अरे फिर आरोप लग गए सारी जेल पड़ी आरोप आते पड़ी है किस लिए मुख्यमंत्री। अरे मैं तो सब देखो भाई उस छोरी ने निकले मत छोड़ो सारी खाप पंचायत देखो हूं अगर जाटनी है जहां न्याय ना मिल रहा मुख्यमंत्री साहब ने बता दो। अरे जाटा देखो सुन लियो मेरे भाईयो उस छोरी ने एकली मत छोड़ो, उस छोरी ने आरोप लगाए हैं तो एक के बात कहे आए तो डिमांड है छोरी गलत है तूने जेल में गिर दे झूठ बोल रहे थे, अरे नहीं तो उस मंत्री के जूते मार के जेल में भेजो अगर उसने गड़बड़ कर रखी है तो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से उसकी जांचो, दोनों का नार्को टेस्ट हो, क्योंकि हरियाणा में हजारों लड़कियां जेल ग्राउंड पर होती हैं, उससे उनके परिवारों का भी मनोबल टूटेगा, उन छोरियों का भी मनोबल टूटेगा। खेल मंत्री जब छेड़खानी छोरी छेड़ खेल मंत्री हद की बात है रे। अरे जब अगर गलत नहीं कर रहा क्या अगले ना क्या प्रॉब्लम नार्को टेस्ट करा दे भाई उल्टा ये हटाना तो चाहिए कम से कम, वो उसने उल्टा ले लियो अगर गलत है तो, अगर छोरी झूठ बोल रही है हम कब कह रहे हैं भाई निष्पक्ष तो कम से कम जांच हो। और सारे खा पंचायत तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस सरकार ने यह दिखाना जरूरी है न्यू तो कल और कोई सी छोरी ने छेड़ देगा भाई कोई कोई सा मंत्री फिर और कोई सी ने छेड़ देगा, चुपचाप बैठे रही हो अपने घर में। इसलिए मैं तो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस सरकार को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद डिफेंड कर रहा है यार खेल मंत्री को, हद की बात है। खट्टर साहब है अगर ये खट्टर साहब आपकी रिश्तेदार होती थे छोरी और छेड़ने वाला नवीन जैन होता तो यही आरोप लगाने यही आरोप लगा कोई नवीन जैन पर लगा देती तो बताइयो सारे देश की पुलिस पास चला गए, वो इतना ही बटे बनाए बैठे बैठा रहे हो ना सरकार।